हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल रसोई का जादू को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट और नए वीडियोस जल्द से जल्द पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रसोई का जादू में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट बर्फी, जिसका स्वाद बिल्कुल ही बेसन बर्फी जैसा होगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट और मुँह में घुलने वाली मक्खन जैसी बर्फी है। आप इसे बिना गैस जलाए, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना चाशनी आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट बर्फी बनाना। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम रोस्टेड चना दाल लिया है, जिसको हमें ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए, इसका मैंने पाउडर बना लिया है, ये बारीक पाउडर बना लिया है। इसको हल्का मैंने हल्का हल्का दरदरा ही रखा है ताकि टेस्ट अच्छा है। अब मैं यहाँ पर काजू और बादाम का पिसा हुआ पाउडर इसमें डाल दूँगी, लगभग 2 चम्मच है, और इसको मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। और अब मैं इसमें घी डालूँगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। ये बर्फी बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाती है। और घी अच्छे से डाल दीजिए। घी डालने के बाद आप अपने हाथ से इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए, और अच्छी तरीके से मिलाइएगा ताकि घी और चना दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। ये घी और चना दाल अच्छी तरीके से मिल गया है। और अब मैंने यहाँ पर दूध लिया है 1/2 कटोरी। दूध में मैंने थोड़ा सा फूड कलर और 2-4 इलायची फूड कर डाल दिया है। और अब मैं इसको इसमें डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करें। एक बार आप डालेंगे सारा तो उसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से बेसन में दूध को मिला लें। आप चाहे तो हाथ से भी इसे मिला सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मीठा बनाने के लिए बर्फ़ी को मैं यहाँ पर अमूल मिठाई मेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मिल्क मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं इसमें 150 ग्राम डालूँगी लगभग, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और कितना सॉफ्ट हो गया है। आप इसको इतना गीला रखें जिससे ये बर्फ़ी बन पाए। और अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिया है, और ट्रे के अंदर अब हम ये मिश्रण डाल देंगे। मिश्रण डालने से पहले ट्रे के अंदर मैंने अच्छे तरीके से घी लगा लिया था ताकि बर्फ़ी बनने के बाद निकालने में आसानी रहे। इसको अच्छी तरीके से दबा दबा कर सेट कर लें। चम्मच से मैंने इसको अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर काजू और बादाम ले रही हूँ छोटे टुकड़ों में कटे हुए, और इसको अच्छी तरीके से हम इससे स्प्रिंकल कर देंगे। तभी से कृपया बराबर हिस्से में काजू और बादाम को डाल दीजिए, इससे देखने में सुंदर लगेगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। डालने के बाद हम इसको दबा देंगे ताकि काटने पर ये निकले नहीं। ये देखिए अच्छे से इसमें सेट हो गया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में या रूम टेम्परेचर पर। 15 से 20 मिनट हो गए और ये सेट हो गया है, और अब हम इसको काटेंगे। और अब मैं ये छुरी से इसको काट रही हूँ। ये देखिए कितने स्मूथली ये कट रहा है। ये देखिए मैंने सारा काट लिया है, और अब मैं ये पीस निकाल कर और आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना स्मूथ बना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।